दोस्तों आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास से रियलमी का फ़ोन है और उसमें एक प्रॉब्लम आया हुआ है कि अगर आप अपने रियलमी फ़ोन में कोई नंबर सेव करते हो या तो पहले से सेव है तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है, क्योंकि एक भाई ने मुझे कमेंट किया। तो अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है और आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम अभी नहीं भी है तो फिर भी इस वीडियो को देख लीजिए, क्या पता आपके साथ ये फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर 4 टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका और भी कोई प्रॉब्लम है जिस पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो यहाँ पे एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप परमिशंस पे क्लिक करना है। ऐप परमिशन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, एक फ़ोन का, एक कॉल लॉक्स का, एक कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है। तो तीनों पर आपको क्लिक करके जितने भी सारे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फालतू का जो एप्लीकेशन है और वहाँ पर आपका परमिशन अलाउ है उसको वहाँ से बंद कर देना है, जैसे कि यहाँ पे ड्रीम 11 है, ठीक है। तो मैं ड्रीम 11 को यहां से बंद कर दूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि ये ड्रीम 11 आपके कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दे, क्योंकि ये फालतू का, इसका कोई जरूरत नहीं है परमिशन देना। तो आपको फालतू का एप्लीकेशन जो जो लगे उसको आपको क्या करना है, उसको वहां पे ब्लॉक कर देना है, बंद कर देना है। जैसे कि ये मैसेज है तो इसको ऑन रहने देना है, जैसे कि ये है टैप क्लाउड है इसको भी ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। तो बेसिकली आपको चेक कर लेना है आपको अपने फोन में जो जो फालतू का एप्लीकेशन जो है परमिशन यहाँ पे अलाउ है उसको डिनाई कर देना है, बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल लॉक्स पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे, इस पर भी क्लिक करके आपको मैसेज और कॉन्टैक्ट को ऑन करना है, बाकी सबको बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको बैक आना है और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ भी आपको सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप उसको डिनाई कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो मैं ड्रीम इलेवन को फिर से यहाँ से बंद कर दूंगा। आपको तीनों में यहाँ पे चेक कर लेना है, फोन पे, कॉल लॉक्स पे, कॉन्टैक्ट्स पे, तीनों पे चेक कर लेना है, ठीक है। जो एप्लीकेशन लगे कि ये फालतू का है और वहाँ पे जो अलाउ है तो उसको डिनाई कर देना है, ब्लॉक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको अपना जो है कॉन्टैक्ट ओपन करना है। कॉन्टैक्ट ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स आपको अपने 2 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चले जाना है सेटिंग्स पे। और सेटिंग्स पे जाने के बाद में बेसिकली यहाँ पे कोई सेटिंग्स आपको नहीं बताने वाला, एक चीज बताने वाला हूँ। कभी भी अपना जो है मोबाइल का नंबर सेव करिएगा, जीमेल पे सेव करिएगा, क्योंकि जीमेल पे आप सेव करते हो तो आप कभी भी उसको रिकवर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका कभी डिलीट भी हो जाता है तो उसको रिकवर करने में बहुत ही आसानी से उसको रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है इतना करने के बाद में डिलीट हो जाता है तो एक बार फोन को अपडेट कर दीजिएगा लेटेस्ट वर्जन से, क्या पता अपडेट आया हो और ये कोई बग हो, तो आप उसको अपडेट करके देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, अपने फ़ोन को एक बार रीसेट कर दीजिएगा, लेकिन रीसेट करने से पहले बैकअप जरूर से ले लीजिएगा ताकि आपका जो भी डाटा हो वो सेफ रहे, ठीक है। तो इतना करके देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो फिर से एक अच्छा और एडवांस लेवल वाला बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।